जिला प्रयागराज में आगामी स्नातक MLC चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की सरगर्मी तेज है, जिसके तहत प्रत्याशी एवं उनके समर्थक जगह जगह जाकर मतदाताओं से मिलकर अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए लगातार अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में कोराव विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष कोराव ने अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ कई गाँव में जाकर MLC पर प्रत्याशी डॉक्टर मान सिंह यादव के लिए वोट मांगे। सर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, आज हाटा में आप लोग जो है एक बैठक किए हैं, बैठक में आप किस पार्टी के चुनाव प्रचार कर रहे हैं? आदरणीय पत्रकार जी, आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद। आप निर्भीक रूप से आप अपनी कलम को चलाते हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हम लोग डॉक्टर मान सिंह यादव स्नातक MLC के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जितना हो सका रहा है अपने विधानसभा में पूरी तरह से लगे हुए हैं। आज हम लोग हाटा चौराहे पर आए हैं, यहाँ लगभग एक ही गांव में 100 मतदाता हैं, इन लोगों से हम लोग मिल रहे हैं। अब हमारे साथ में हमारे मनीराम जी सिंह और तमाम साथी इधर शिवचरण सिंह, तमाम यहाँ कुसड़ा हाटा के निवासी लोग हैं, ये लोग स्वयं मतदाता हैं, इनके बच्चे मतदाता हैं, इन्हीं से मिलने हम लोग आए हैं और अपील करने आए हैं कि इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज समस्त मतदाता बैलेट से वोट देंगे। अब ये कहने का अवसर नहीं मिलेगा यदि अब की बार हमारा बैलेट पेपर से चुनाव किसी भी दशा में गड़बड़ हुआ तो निश्चित रूप से सारी ये लोगों के शब्दों का विराम लग जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं अपने सभी साथियों से कि समाजवादी पार्टी को 1 तारीख को 7 बजे से अपने बूथ पर जाएं, अपने ब्लॉक में, और एक लिखना है, खड़ी पाइप डालना है उस पे, और वही वोट मान्य होगा। सर, आपको पर्ची? मैं ललन सिंह पटेल, विधानसभा अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी कोराव। बता दें कि आगामी 1 दिसंबर को वोटिंग होनी है, इसके लिए पार्टियों की सरगर्मी तेज है। प्रत्याशी अपना रास्ता क्लियर करने में दिन रात एक कर रहे हैं। आप देख रहे थे कोराव प्रयागराज से उमाशंकर कुशवाहा की रिपोर्ट।